एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की जड़ियां टिप्पियां हैं ना बिंदी रूप दे विच उचारण करनी है। आम कई पाठी सिंह ना थिंती कह जांदे थिंती जा किंग कह जांदे किंग, यानी बिंदी नाल बोलना राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की। श्लोक 15 थित्ती सात वार कह कबीर उरवार न पार साधिक सिद्ध लख जाओ पेओ आपे करता आपे देओ थित्ती अमावस मह आस निवार हो। इसनु अमावस नहीं कहना, उत्ते टिप्पी लगी हुई है, थोड़ा जा कस के बोलना है अमावस मह आस निवार हो। अंतर जामी राम समारह जीवत पावह मुख द्वार। मुख द्वार संबंधक पाठ है। अनुभव शब्द तत् निज सार चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मल हर कीर्तन मह अन दिन जागा रहाओ परिवा प्रीतम करो विचार। ए परवा उचारण करना है, इथे विश्राम लाना है। परवा प्रीतम नहीं कहना है, परवा यानी एकम थित द्वारा उपदेश बख्श दे हन। परवा प्रीतम करो विचार घाट मह खिल अघट अपार। ए अघट उचारण करना है, अघट नहीं बोलना, अघट नहीं कहना है। काल कल्पना कदे न खाए आद पुरख मह रहै समाए दुतिया दोह कर जाने अंग। दुतिया ते विश्राम लाना है, दुतिया दोह कर ये संबंधक पाठ है। दोह कर जाने अंग माया ब्रह्म रमै साब संग ना ओह बढ़ै ना घटता जाए अकुल निरंजन एक पाए। इसनु अकुल उचारण करना है, पूला ही अकुल नहीं कहना है, एड़े दे विच डैश दे के। तृतीया तीने साम कर लियावै आनंद मूल परम पद पावै साध संगत उपजै विश्वास बाहर भीतर सदा प्रगास। चौथा है चंचल मन कौ गह काम क्रोध संग कबहो न बहो। ये कबहो उच्चारण करना, कबहू नहीं कह देना, कबहो कबहो न बहो। जल थल माही आप है जपहो आपना जाप। पंच पंच तत् विस्थार कनिक कामनी जोग व्योहार। कामिनी इस तरह उच्चारण करना है। मम्मी दी सिहारी भी हैगी, थोड़ा जा कसके ये पद बोली दा हुंदा, कामन हो जाए कामिनी। कनिक कामिनी जोग व्योहार, कनिक कामिनी जोग व्योहार प्रेम सुधा रस पीवै कोय। सुधा पुला ही बोलना, इनू सुधा नहीं कह देना। जरा मरण दुख फेर न होए छठ खट चक्कर चहु दिस ताए। छठ हां जी छठ इनू छठ नहीं कहना है, छठ पुला ही बोलना है। छठ इथे विश्राम ला दो, खट चक्कर इथे यमक ला देगी। खट चक्कर चहु दिस ताए, छठ खट चक्कर चहु दिस ताए। छहु छठ खट चक्र शहु दिसताए। छठ पद ते ना यमक ला लो, छठ ते यमक लग जाएगी। चाल अनुसार खट चक्र इथे विश्राम लग जाएगा। छहु दिसताए छठ खट चक्र छहु दिसताए। छठ खट चक्र शहु दिसताए बिन परचय नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खिमा गह रहो
कर्म धर्म की सूल न सह जिन्ने पद आ रहे हैं रह सह इन होड़े नहीं लाने सह हो रह हो इस तरह नहीं बोल सत सत कर बाचा जान ये भी सां ते बिंदी नहीं लानी तत्ते दे दलावा दे नाल बिंदी लगी हुई है सतें विसाम इथी हां जी इथी सतें सत कर बाचा जान सतें सत कर बाचा जान आत्म राम ले हो परवान छूटा संसार मिट जाहे दुख सुन सरोवर पाव सुख अष्टमी अष्ट धात की काया की पद ते ठमक लग जाएगी अष्टमी अष्ट धात की काया ता मह अकुल बहा निद्राया गुर गाम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रह अभंग अछेद नौमी नवे द्वार कौ साध नौमी नवे द्वार कौ साध बहती मनसा राख बाद लोभ मोह सब बिसर जाह जोग जोग जीवाह अमर फल खाह दसमी दह दिस होय आनंद छूटा भरम मिला गोविंद ज्योत स्वरूपी तत् अनूप अमल न मलन शाह नहीं धूप पाठ बड़े ध्यान नाल उचारण करना है इस नूं अमल नहीं कहना अमाल बोलना है अड़े दे विच डैश दे के अमाल ना मलन मलन पाठ संपर्दा दे विच इकट्ठा कराया जांदा है अमाल ना मलन शाह नहीं धूप इन्हूं धूप पब्बे दी आवाज नहीं आनी चाहिए पप्पा बोलना है धूप अमाल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी कठा ही पाठ है एकादशी एक दिस धावै बोलना ते कठा बोलना एकादशी एक दिस धावै ता जोनी संकट बाहर न आवै भी विश्राम ध्यान न लाना तो जोनी संकट बाहर न आवै शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा बारस बारह उगवे सूर भी आम पाठी सिंह ना बारिश ही कह जन्दे हन बारिश नहीं कहना बारस बारहवीं तित द्वारा उपदेश है बारस बारह उगवे सूर बारस बारह उगवे सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देखिया तिन्हू लोक का पीयो तिहू है नन्ना नहीं है विच देखिया तिहू लोक का पीयो अचरज भया जीव ते सीयो चाल अनुसार अचरज भया जीव ते सीयो तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्ध बिच साम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापिक राम सगल सामान हां जी अर्ध उर्द बिच साम पहचान व्यापिक राम सगल सामान चौदह लोक मझार चौदस दस जेड़ा पाद है ना कस के नहीं बोलना चौदस पोले बोलने यानी चौदवी तित द्वारा जे दस कह देंगे दसन का वाचक बन जू जे कहे दस ता गिनती का वाचक बन जाएगा चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरह ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुण्य पूरा चंद आकाश इस पुण्यो ऐड़ा नहीं विच लाउणा पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास
आद अंत मद होय रहे आथीर, आद अंत मद इति विश्राम होय रहे आथीर, सुख सागर मह रमह कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जीओ के सत, ए सत उचारण करना है, सत्ता वारा द्वारा उपदेश दिता है कबीर जी ने इस सारे शब्द दे विच पदे दे विच। बार बार हर के गुण गावाओ गुर गाम भेद सो हर का पावाओ रहाओ, आदित्य करै भगत आरंभ। इसनु आदित्य नहीं कहना, कस के उचारण करना आदित्य, यानी ऐतवार नु, ऐतवार द्वारा उपदेश है। आदित्य करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सो रही जाय। ਇਹ ਪਾਠ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਨਿਸ ਅਖੰਡ ਸੋ ਰਹੀ ਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਉ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮਹਿ ਬਾਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਖੇਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਮਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਇਉਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਤੋ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨ ਹਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਲੇਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਲੇ ਨਖੇਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇ ਮਾਹੀਤ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ, ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਨਾ ਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾ ਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠਮਕ ਰਾਏ ਵੱਖਰਾ ਪਾਠ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰ ਕਾ ਬਾਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਦੋ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ, ਉਰਦ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਦਾ ਕਰੈ, ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਾਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ, ਇਹ ਬੱਬਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਤੀਨ ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ, ਤੀਨ ਨਦੀ ਤਹਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ, ਅਹਿਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵ ਹੈ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ, ਅਹਿਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵ ਹੈ ਨਾਹੇ, ਨਾਹੇ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਦੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਆਪ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਨ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਵਿਸਰਾਮ, ਅਨ ਦਿਨ ਆਪ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚਾਓ ਰਾਖੈ ਸਬੈ, ਤੋ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ। ਇਹ ਸਬੈ ਕਬੈ ਪੂਲੀ ਬੋਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰਾਖੈ ਸੋਏ, ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਾਟ ਮਹਿ ਜੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੋਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਠਮਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਟੀ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਰ ਮਹਿ ਜੋਏ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਘਾਟ ਮਹਿ
ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਏ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਬ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮਹਿ ਦੂਜੀ ਆਨ ਤਉ ਲਉ ਮਹਿਲ ਨ ਲਾਭੈ ਜਾਨ ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਿਓ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ।